हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल गंगा भारती आप सभी का स्वागत है। देखिए, 10 साल पुराना बोर्ड है, यहाँ पर नया बोर्ड डालना है। अभी रेगुलेटर, स्विच और बोर्ड से ही समझ जाएंगे आप कितना पुराना होगा। इस तरह से मैं इसे निकाल ले रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पे घर पे ही चेंज कर रहे हैं बोर्ड, तो वायर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये थर्ड अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है, और ये टेप मार के रखा है मैंने, ये फेस है, और 3 पॉइंट है यहाँ पर, और एक फैन। इस तरह से मैं वायर खोल ले लेता हूँ। पहले यहाँ पर आप किस तरह से बोर्ड बिठाना है ये भी दिखाता हूँ। पीवीसी 10x8 का बोर्ड बिठाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से पेंट हो चुका है। इस तरह से पूर्ण पॉइंट के वायर निकाल ले लेता हूँ मैं, और न्यूट्रल इसी तरह से अच्छे से ध्यान में या मार्किंग करके रखिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलो, तो यहाँ पे जो बोर्ड लगाना है ये देखिए, इस तरह से पीवीसी बोर्ड है, एंकर के स्विच सॉकेट है, इस तरह देखिए स्विच, इस तरह से यहाँ पर कटिंग करके लगाएंगे। और ये रेगुलेटर है ग्रेट वाइट का। चलो, तो इसको मार्किंग करना किस तरह किया जाता है ये भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरह देखिए, पूरा प्लेन बोर्ड है, इसके फिटिंग के लिए स्क्रू भी है। देखिए, इस तरह स्विच सॉकेट रख के जो बीच वाला पॉइंट रहता है, यानी कि जो बोर्ड में जाएगा, उतना कटिंग करने के लिए मार्किंग करके लेने का पहले अच्छे से। देखिए, इस तरह रख के आप पेन पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं इसको, एकदम सही से रखेंगे। देखिए, इस तरह मार्किंग करना है, सिर्फ अंदर वाले साइड से ही कटिंग होना चाहिए। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे, लास्ट तक देखिए वीडियो को। देखिए, इस तरह मार्किंग करने के बाद आप स्केल से, या अगर आप मैकेनिकल, देखिए यहाँ से ये बीच वाला ही रहना चाहिए अंदर, दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, स्केल से या आप मैकेनिकल है तो किसी चीज़ से कर सके, एक्सेब्लेड, मैं तो एक्सेब्लेट से ही कर रहा हूँ मार्किंग। देखिए, इस तरह मार्किंग करके लीजिए। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में ले आए। देखिए, ऐसा बीच वाला, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसी तरह, इस तरह एक्सेब्लेट की सहायता से आप इसको कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा घिस घिस के। हाँ, इस तरह से एकदम आसान है दोस्तों। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, उत्तर ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, और वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अभी स्विच रख के इसके जो स्क्रू लगाने का है उसका मार्किंग करके लेंगे, और ड्रिल से होल करके ले लेंगे इसे। इस तरह देखिए आप, मैंने स्क्रू रख दिया हूँ, मार्किंग करके ले लेते हैं। एकदम आसान है दोस्तों। देखिए, इस तरह से मार्किंग करके ले लेता हूँ, साथ में डिमर का ही कर लेने का। फिर देखिए, इसी तरह रहेगा सेम बोर्ड, लेकिन नया मॉडल में रहेगा। देखिए, इस तरह ड्रिल से मार्किंग जहाँ जहाँ किया है वहाँ स्क्रू बिठाने के लिए होल करके ले लेने का। कुछ लोग ड्रिल से कट करते, लेकिन अच्छा है एक्स्ट्रा ब्लेड से ही करेंगे तो। देखिए, इस तरह से पूरा होल जो हो चुका है,
स्क्रू की सहायता से उसे अच्छे से फिट कर लेने का, स्विच आड़ा टेढ़ा ना लगे। इसके लिए पहले स्क्रू को फिटिंग करके लेने का, बाद में उसको स्क्रू ड्रावर के या टेस्टर की सहायता से आप फिट कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रू ड्रावर की सहायता से आप फिट कीजिएगा। सेम अच्छे से लगना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा एकदम लाइन में लेने का, एक साइड की फिटिंग करते समय देखिए इसका बोर्ड कब अच्छा होगा। अब इसका कनेक्शन करेंगे, जो 1.5 का वायर है इसको अच्छे से इसे एक साथ बना लेने का कनेक्टर को, और स्विच के नीचे वाले पॉइंट से लगाने का, स्विच जितना है उतना नीचे वाले साइड से इसको फिट कर देने का वायर को। इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेने का, क्योंकि लूज ना रहे तो वो अच्छा है। देखिए अभी यहाँ है न्यूट्रल फेस और थर्ड आर्थिंग। इस तरह से एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के एल में लगाने का, यानी कि लोड, इसी तरह जैसे स्क्रीन पे देखे आप वो इसी तरह से फिटिंग कर लेने का उसको। देखिए और यहाँ से डिमर का वायर छोटा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा एक जॉइंट कर देंगे एक वायर इसी तरह से, टेप मार लेते हैं इसको और इसको ऊपर वाले पॉइंट पे लगाएंगे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इस तरह। और जो स्विच में नीचे वाला लूप डाला है उसमें लगाएंगे फेस, आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर, लाइव भी दिखा देंगे। और एन में रहेगा न्यूट्रल इस तरह, और जो बीच वाला अर्थिंग बताया उस पर रहेगा अर्थ वाला वायर, यानी कि जमीन वाले अर्थिंग। ये देखिए अर्थ फिटिंग हो चुका है, ये रहेगा फेस, ये रहेगा न्यूट्रल और ये रहेगा थर्ड अर्थिंग। नीचे के साइड से रहेगा फेस स्विच के, और ये रहेगा न्यूट्रल या थर्ड अर्थिंग, ये स्विच से होके सॉकेट में रहेगा एल में, और ये रहेगा फैन का पॉइंट इस तरह। देखिए यहाँ पर लगाने के बाद इसको मार्किंग कर लेने का पहले अच्छे से। देखिए मैंने तो ड्रिल से पहले होल करके लिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ड्रिल चला रहा हूँ। इस तरह से इसमें ग्रिप फिटिंग करने का, स्क्रू की सहायता से उसको अच्छे से दीवार में ठोक देने का इस तरह से। देखिए ये अर्थ लगा रहा हूँ पहले स्विच वाले बीच वाले पॉइंट में, सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में, और न्यूट्रल जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर इस तरह से। अभी ये फैन का है, सप्लाई डालने से पहले इसमें बाकी पॉइंट के कनेक्शन कर लेने के। ये फैन और यहाँ पर आएगा एक पॉइंट, उसी तरह अभी दूसरा भी फिटिंग कर देंगे, ये दूसरा वाला पॉइंट। इस तरह ये दूसरा वाला पॉइंट, सेम तीसरा वाला पॉइंट। दो ट्यूबलाइट है और एक बल्ब है यहाँ पर, और एक सीलिंग फैन। इस तरह एक एक बेड के पास एक बोर्ड है, उसका एक मेन सप्लाई वाला पॉइंट, और ये जो टेप मार के रखा था मैंने, ये फेस। अब प्रोफेशनल ना हो तो
टीपी मार के रखिए या बंद कीजिएगा, इस तरह से ये फेस हो गए। इसी तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है। चलो तो इसको फिट कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।